In this session, I will explain the framework that is used by the professional asset managers when they decide the combinations of risky and riskless assets to form a portfolio. So, this particular framework is based upon the principle of the trade-off between the expected rate of return and the risk so we know that we are foreseeing in future that if we invest in a certain financial asset we will be able to generate a certain rate of return so based upon this information we calculate the expected rate of return and then we also consider the values of the standard deviations of the expected rate of return in order to make a decision whether or not we are going to invest in that रिस्की एसेट और रिस्क लेस एसेट और इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन कॉम्बिनेशन ऑफ द रिस्की एंड द रिस्कस एसेट्स इन ऑर्डर टू फॉर्म अ पोर्टफोलियो दैन वी आर गो टू कंसिडर द ट्रेड ऑफ बिकॉज वी ऑल नो कि हायर रिटर्न अगर आपने लेना है किसी भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू तो फिर आपको हायर रिस्क लेना पड़ता है तो अगर आप लो रिस्क लेंगे रिस्क वर्टर हैं तो फिर ऑबली आपको लो रिटर्न मिलेगी तो जब हम पोर्टफोलियो को डेवलप करते हैं या प्रोफेशनल एसेट मैनेजर्स पोर्टफोलियो को डेवलप करते हैं तो इस पर्टिकुलर ट्रेड ऑफ को एज अ फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं सो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और द फ्रेमवर्क विच इज़ यूज बाय द प्रोफेशनल एसेट मैनेजर्स आई एम गो टू टेक एन एग्जाम्पल तो सपोज आपके पास एक लाख रुपए हैं जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड यू हैव अ चॉईस कि आप इन एक लाख रुपयों को रिस्क लेस एसेट में और रिस्की एसेट में प्लिट करना चाह रहे हैं तो इट इज़ ऑलवेज़ सेफ़र एंड बेटर टू इन्वेस्ट इन मल्टीपल एसेट्स जिसके रिस्क लेवल्स मुख्तलिफ हों फर्क हों उससे आप ज़्यादा सेफ़र तरीके से सेफली बेटर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को जनरेट कर सकते हैं सो so, लिहाजा हमने अभी एग्जाम्पल में सोचा कि हमारे पास चॉइसेस हैं कि हमारे पास एक रिस्की एसेट है एक रिस्क लेस एसेट है रिस्क लेस एसेट यूजुअली आपके टी बिल्ज होते हैं वो लोग जो कि रिस्क ज़्यादा बड़ा रिस्क या रिस्क नहीं लेना चाहते वो ट्रेजरी बिल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर रिटर्न बहुत कम मिलती है मगर उसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है आपके पैसे डूब नहीं जाते मगर वो तरह के इन्वेस्टर्स जो कि हाई रिटर्न कमाना चाहते हैं उनको फिर हायर रिस्क लेना पड़ता है सो so, हम इस्यूम कर रहे हैं कि जो रिस्क फ्री एसेट है उसके अंदर आपको सिक्स परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा और जो रिस्की एसेट है उसके ऊपर आपको फोर्टीन परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा और आप जो फोर्टीन परसेंट है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को जब हम फोटीन परसेंट को परसेंटेज के को काउंट फॉर करके लिखेंगे तो इट विल बी ज़ीरो पॉइंट वन फोर तो यू कैन सी के दे हैव बीन रिस्कलेस एसेट के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिल रही है वो जीरो पॉइंट जीरो सिक्स है और जो रिस्की एसेट के ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से आपको जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज़ फोर्टीन परसेंट विच कैन बी रिटर्न एज जीरो पॉइंट वन फोर और ये ईयरली वैल्यूज़ हैं जब आप रिस्की एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिससे आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फोर्टीन परसेंट निकालें तो देन वी हैव टू लुक एट द स्टैंडर्ड एवियशन ऑल्सो बिकॉज रिस्क एसेट में रिस्क इन्वॉल्व है तो हमेशा आपको ये फोर्टीन परसेंट रिटर्न नहीं मिलेगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फोटीन परसेंट नहीं होगा इसमें कमी बेशी हो सकती है उस कमी बेशी को अंदाज़ा लगाने के लिए हमें साथ में स्टैंडर्ड एविएशन को भी माइर करना पड़ता है तो स्टैंडर्ड एवियेसन का मतलब होता है कि ऑन एवरेज आपका जो मीन है मीन रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न उसमें ऑन एवरेज कितने हद तक के वेरिएशन या वेरिएबिलिटी आ सकता है तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम इस्यूम करें कि हमारा जो स्टैंडर्ड स्टैंडर्डविएशन है इस 14 परसेंट के इर्द गिर्द कितना फ्लक्चुएशन करेगा दैट इज़ गिवन बाय 0.2 और जब हमने ये तमाम इन्फॉर्मेशन को कंसिडर कर लिया अकाउंट फॉर कर लिया तो देन देर कुड बी अ क्वेश्चन कि इस सूरत हाल के मुताबिक मुझे एक लाख रुपयों में से कितने पैसे रिस्की एसेट में और कितने पैसे रिस्क लेस एसेट में इन्वेस्ट करने हैं तो उसके लिए हम एक फ्रेमवर्क को डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रोफेशनल एसेट मैनेजर्स जिस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हैं सो आई एल बी एक्सप्लेनिंग दैट यूजिंग डिफरेंट ऑप्शन कि अगर आप अपना पूरा लाख रुपया रिस्की एसेट में डाल देंगे तो क्या होगा अगर पूरा एक लाख रुपया रिस्क लेस एसेट में डाल देंगे तो क्या होगा एंड वॉट वुड बी द आउटकम द एक्सपेक्ट रेट ऑफ रिटर्न अगर आप डिफरेंट कॉम्बिनेशनस के मुताबिक इस अपनी इन्वेस्टमेंट एक लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट को इन दो मुख्तलिफ एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं सो आई एम गो टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क यूजिंग द दिस डेटा विच यू कैन सी इन दिस टेबल सो वी हैव गॉट मल्टीपल पोर्टफोलियोज़ यहाँ पोर्टफोलियोज़ के नाम लिखे हुए हैं आपके पास पोर्टफोलियो एफ़ है जी है एच है आई है और जे है इनमें फ़र्क किस बात का है आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने रिस्की एसेट में कितना परपॉर्शन एक लाख का इन्वेस्ट किया है हमने उनको अकाउंट फॉर किया है फिर आप रिस्क लेस एसेट में जो कितना आपका एक लाख का परपॉर्शन है वो जा रहा है उसके डिफरेंट ऑप्शन आपने लेके ये पोर्टफोलियोज डिफ़ाइन किए हैं फिर हमारे पास आ जाती है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और देन वी हैव अकाउंटेड फॉर द स्टैंडर्ड डिवियशन

और मैंने आपको बताया था कि जब हम रिस्क लेस एसेट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाविएशन यानी कि रिस्क यानी कि डिस्पर्शन ज़ीरो होती है तो यू कैन सी इट इज़ ज़ीरो नाउ इफ़ वी इन्वेस्ट इंस्टेड ऑफ हंड्रेड परसेंट इन द रिस्कस एसेट वी इन्वेस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ़ द टोटल मनी विच वी हैव यानी कि एक लाख रुपयों में से हमने पचहत्तर हजार रिस्क लेस एसेट में डाल दिए और बाकी के पच्चीस हजार रिस्की एसेट में डाल दिए तो ऐसे के, के केस में इस 25 परसेंट के ऊपर आपको 14 परसेंट मिल रहा है और इस 75 परसेंट के ऊपर आपको 6 फीसद मिल रहा है तो 6 फीसद और 14 फ़ीसद का आपने एवरेज निकाला तो आपका 8 परसेंट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकल आया इसके अंदर वेरिएशन आपने डिफाइन की तो हमने फॉर्मूलाज डिस्कस किए हुए हैं स्टैंडर्ड एवियशन के उसको इस्तेमाल करके हमने जो वैल्यू निकाली है दैट इज़ जीरो तो आप देख सकते हैं कि अगर हम सेवेंटी फ़ाइव रिस्क लेस एसेट में और 25 परसेंट ऑफ एक लाख रुपयों को रिस्की एसेट में डालेंगे तो हमारी रिटर्न तो 0.02 या 2 परसेंट इंक्रीज कर गया मगर साथ ही में हमारा रिस्क भी इंक्रीज कर गया सो इफ़ इंस्टेड ऑफ़ 75 इफ़ वी इन्वेस्ट 50 परसेंट ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन द रिस्क रिस्की एंड फिफ्टी इन द रिस्क एसेट्स एज अ रिजल्ट वी विल बी एबल टू अर्न और जनरेट टेन परसेंट

तो ऐसे के कॉन्टेक्स्ट में आप 14 परसेंट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न देख सकते हैं मगर साथ ही में जो आपका रिस्क है स्टैंडर्ड स्टैंडर्टाजन की वैल्यू है वो 0.2 पे चली गई है तो विद दिस डेटा सेट वी कैन सी दैट एज यू गो फॉर अ हायर रेट ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न साथ में ही आपको जो ट्रेड ऑफ देखना पड़ रहा है यहाँ आपको आपका जो रिस्क है वो भी बढ़ता चला जा रहा है जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से हम देख सकते हैं नाउ इसी चीज़ को अगर हम डायग्रामेटिकली देखना चाहें तो वी कैन लुक एट दिस पर्टिकुलर रिस्क रिवॉर्ड ट्रेट ऑफ लाइन विच इज़ ऑल्सो नोन एज द कैपिटल एलोकेशन लाइन कैपिटल एलोकेशन लाइन को हम सी एल बू भी बोलते हैं इस रिस्क रिवॉर्ड ट्रेट ऑफ लाइन के ऊपर अभी जो मैंने आपको पोर्टफोलियोज़ दिखाए थे स्टार्टिंग फ्राम एफ जी एच एच जे एस ये तमाम पोर्टफोलियोज़ की ऊपर इन्फॉर्मेशन लेकर आपने देखा था जब हम तमाम पैसे अपने एफ़ पोर्टफोलियो में डाल रहे थे रिस्क लेस एसेट के अंदर तो हम छः परसेंट रेट ऑफ़ रिटर्न कमा रहे थे और हमारा रिस्क ज़ीरो था तो इन्हीं पोर्टफोलियोज़ की एक्सपेक्टेड रेट ऑफ़ रिटर्न को और रिस्क की यानी कि डेविएशन की वैल्यूज़ को लेकर इन पॉइंट्स को लिया गया है और जब आप हाँ इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे तो यू विल गेट द रिस्क रिवॉर्ड ट्रेट ऑफ लाइन विच इज़ आल्सो नोन एज द कैपिटल एलोकेशन लाइन जब आपने कैपिटल एलोकेशन लाइन को या रिस्क रिवॉर्ड ट्रेट ऑफ लाइन को ग्राफिकली ड्रा करना है तो उसमें हम स्टैंडर्ड एविएशन को हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को हमेशा वर्टिकल एक्सेस पे लेते हैं तो इस तरह से आप देख सकते हो कि किस तरह से हम इस लाइन के थ्रू जो भी वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं हमारे पास रिस्की और रिस्क लेस एसेट्स के वो डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ के फॉर्म में हम ग्राफिकली लाइन की मदद से इसको रिप्रेजेंट कर सकते सो बेसिकली व्हेन वी आर लुकिंग एट द फ्रेमवर्क दैट इज यूज बाय द प्रोफेशनल एसेट मैनेजर्स दैट इज सोलली एक्सक्लूसिवली बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल और ऑफ बिटवीन द रिस्क एंड द रिटर्न So, whatever data we have used in developing or drawing the line, which I have just shown you, which is called the expected rate of return and risk trade off line, or we also call it the capital allocation line, that is developed based upon the information we have discussed in the table earlier. So, you look at the various combinations of the total investment being invested in the different Assets, and then on the basis of that, what is then you calculate the possible out, expected rate of returns along with their standard deviation. So, when you look at these values, the different portfolios with respect to the expected rate of return and the standard deviation values are when drawn in the graphical form, they are that then you get the expected rate of return risk trade off line or the capital allocation line.